गिज़्मोगन अपडेट्स के न्यू एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है आज की वीडियो में, कि चाहे वो मी ए 3 को लेकर या वो रियलमी और रेडमी को लेकर। और साथ में आपको इस वीडियो में 5 विनर मिलने वाले हैं जो गिव अवे चल रही है इस चैनल पे, उनमें से 5 नाम आज मैं निकालने वाला हूँ। देखते हैं कौन कौन जीतता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। लाइक्स का टारगेट है आज की वीडियो के लिए 10,000। आज की भी पहली न्यूज़ है शाओमी की तरफ से। दोस्तों मैंने आपको कल बताया था जुलाई में रेडमी 7A लॉन्च हो सकता है रेडमी K20 और K20 प्रो के साथ में। आज मनु जैन जी ने एक ट्वीट करके ये कन्फर्म कर दिया है कि ऐसा ही होने वाला है। इस ट्वीट में बताया गया है कि रेडमी की A सीरीज़ के 23.6 मिलियन यूनिट सेल हुए हैं इंडिया में, जितने की ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है, तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। और साथ में मनु जैन जी ने लॉन्च डेट गैस करने को बोला है कि कब ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। वैसे ट्वीट देखकर समझ आ रहा है कि कब ये फ़ोन आएगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं रेडमी 4A 5A 6A, अगर आप इन सबको प्लस कर दोगे तो बन जाएगा 15। मतलब कि 15 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा रेडमी 7A, रेडमी K20 और K20 प्रो। इस ट्वीट को देखकर ऐसा ही समझ आता है। आपको क्या लगता है ये ट्वीट देखने के बाद कमेंट्स में बताना मुझे, क्या मैं सही कह रहा हूँ 15 जुलाई को आएगा ये फोन इंडिया में या फिर आपको कुछ और लग रहा है, बताना मुझे कमेंट्स में। हमारा अगला अपडेट है रियलमी की तरफ से। दोस्तों रियलमी एक्स का स्पाइडरमैन एडिशन अनाउंस हो चुका है और ये आपको 9 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी ज़्यादा खुश मत होना आप, क्योंकि फिलहाल ये आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलने वाला। अभी 9 जुलाई को ये चाइना में लॉन्च किया जाएगा रियलमी एक्स का स्पाइडरमैन एडिशन। इसका जो वेरियंट आएगा वो आएगा 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। इंडिया में ये कब आएगा इसको लेकर अभी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। जहाँ तक मुझे इंटरनल न्यूज़ मिल रही है उसको देखकर लग रहा है कि 15 जुलाई को ये भी आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। जैसे 15 को ही शाओमी का इवेंट होगा और 15 को ही हो सकता है रेडमी का इवेंट भी इंडिया में। बाकी देखते हैं क्या होता है वाले टाइम में, जैसे ही कुछ कन्फर्म होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। हमारा अगला अपडेट भी है रियलमी की तरफ से। दोस्तों रियलमी 3 प्रो में एक अपडेट मिल चुका है जहाँ पर है जून का सिक्योरिटी पैच और साथ में अनेबल हो चुका है इस फ़ोन के लिए 240fps पे स्लो मोशन मूवी कैप्चर करने का ऑप्शन भी। तो अगर आपको ये ऑप्शन चाहिए था तो अपडेट करके आप अनेबल कर सकते हैं। अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट दोस्तों एक बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। फ्लिपकार्ट रिप्लेस करने वाले हैं अपनी 40% व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ। जो फ्लिपकार्ट की डिलीवरी व्हीकल्स होती हैं इनको रिप्लेस किया जा रहा है 40% व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ। तो ये इंडिया के पोल्यूशन को देखते हुए काफ़ी अच्छी बात है, इसके लिए थम्स अप है फ्लिपकार्ट को। हमारा आज का अगला अपडेट यह है कि मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ मी बियर ट्रिमर की। तो अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है ऊपर कार्ड्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये टेक न्यूज़ देखने के बाद मुझे ये ट्रिमर काफ़ी अच्छा लगा। आप बताओ मुझे वीडियो देखकर कि आपको ये ट्रिमर कैसा लगा। अब पहले हम बात करते हैं मी ए 3 के बारे में, फिर हम निकालेंगे गिव अवे का रिजल्ट। मी ए 3 आपको 2 जुलाई को देखने को मिलने वाला है। कैसी लगी न्यूज़ आपको? देखो ऐसा बोला जा रहा है कि जो शाओमी का CC9 लॉन्च होने वाला है 2 जुलाई को वो इंडिया में आ सकता है मी ए 3 के नाम से, जिसमें आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर और साथ में फुल व्यू एमोलेड डिस्प्ले फ्लिप कैमरा के साथ। अगर ये फ़ोन इंडिया में आ जाता है मी ए 3 बनके तो ये फ़ोन इंडिया में मुझे लगता है तहलका मचा देगा। अब देखना ये होगा जो ये रिपोर्ट आई है ये किस हद तक सच होती है। आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या ऐसा होना पॉसिबल है? तो शाओमी का CC9 होगा चाइना में, वो इंडिया में आ सकता है मी ए 3 बनके, आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है कमेंट्स में बताना मुझे। चलिए अब हम गिव अवे का रिजल्ट निकाल लेते हैं। जो पीट्रोन के स्पीकर्स का गिव अवे चल रहा था आज हम उसका रिजल्ट निकालने वाले हैं। इस वीडियो में 9 स्पीकर्स का गिव अवे चल रहा था लेकिन आज हम रिजल्ट निकालेंगे 5 स्पीकर्स का। बाकी स्पीकर्स का रिजल्ट हम बाद में निकालने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो अभी भी आपके पास चांस है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पार्टिसिपेट कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। ये वीडियो है जिस पे गिव अवे चल रहे हैं, तो यहाँ से मैं लिंक को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ रैंडम कमेंट स्पीकर पे, लोड कमेंट्स। तो यहाँ 2 ऑप्शन आ चुके हैं, मैं क्लिक करता हूँ रैंडमली पिक विनर पे। तो हमारे पहले विनर हैं शिवम शर्मा, इनका मैं लिंक ओपन करके इनका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब निकालते हैं हम सेकेंड विनर। सेकेंड विनर हैं बिलास दत्ता जी। थर्ड विनर ये हमारे सामने सुबह लाबा जी, रवीश कपूर ये हमारे फोर्थ विनर हैं, सुभाष सुमन ये हमारे फिफ्थ विनर। तो आप 5 को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपको आगे क्या करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब आपको क्या करना है, मैं आपको आपके इसी कमेंट पे एक कमेंट करूँगा अपनी आईडी से, जिसमें मैं आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछूँगा। आपको मुझे अपनी इसी आईडी से कमेंट करके अपना मेल आईडी देना होगा। अगर आपका कमेंट वेरीफाई हो जाता है तो आपको मैं अपने आप कॉन्टैक्ट कर लूँगा। तो बस इतना ही आपको करना है, जो मैं आपको कमेंट करूँगा उसका आप रिप्लाई कर देना अपनी मेल आईडी के साथ।
तो मैं वेट करूंगा आपके रिप्लाई का। अब हम बात करते हैं आगे की टेक न्यूज़ के बारे में। दोस्तों Amazon Alexa को आप सब जानते होंगे, अब आपको आपके Android TV में भी मिल जाएगा Amazon Alexa का सपोर्ट। ये मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल ये Sony Bravia के कुछ मॉडल्स में आ रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपको सभी Android TV में इसका सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। हम वेट करते हैं कब तक ये आएगा। अब हम बात करते हैं म्यूज़िक के बारे में। दोस्तों म्यूज़िक ऐप आज की डेट में हम सब यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो Amazon Prime Music या वो गाना ऐप, ऐसी काफ़ी सारी ऐप्स हैं। Apple की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, जो Apple का Apple Music है उसके 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये एक पेड ऐप है Apple की तरफ से और इसके हो चुके हैं 60 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है पेड ऐप को देखते हुए। आप कौन सी म्यूज़िक ऐप यूज़ करते हैं कमेंट्स में बताना मुझे, और क्या आपने कभी Apple Music ऐप की सब्सक्रिप्शन ली है ये भी बताना मुझे कमेंट्स में। दोस्तों अगर आप Redmi Note 7 Pro लेने का सोच रहे थे और वो आपको फ्लैश सेल में नहीं मिल रहा था, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। Redmi Note 7 Pro आपको ओपन सेल में मिलेगा, लेकिन इसका 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट, ये आपको 13 जून तक मिलेगा ओपन सेल में। तो आप देख लेना अगर आपको लेना हो तो। बाकी मैं आपको फिलहाल कहूँगा इसको आप इग्नोर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सेम प्राइस पे आपको इससे बेटर स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं, उनका वेट करना बनता है। Realme 3 की अगर हम बात करते हैं तो Realme 3 का आपको एक और वेरिएंट देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको ग्रेडिएंट फिनिशिंग मिलेगी बैक साइड पे और आपको मिलेगा रेड कलर में डायमंड कट वाला डिज़ाइन, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो देखते हैं कब ये लॉन्च किया जाएगा ये वेरिएंट। वैसे आपको कैसा डिज़ाइन पसंद है, प्लेन या डायमंड कट वाला, ऊपर पोल में बताना मुझे। कल हम इस पोल का रिजल्ट देखेंगे क्या आता है। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस की लाइव इमेजेस लीक हो चुकी हैं, ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं। ऐसा आपको मिलने वाला है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। अब देखते हैं कब ये लॉन्च किया जाएगा। अगस्त में वैसे आपको ये देखने को मिलने वाला है, लेकिन डेट अभी कंफर्म नहीं है। तो दिखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ अगर फुल व्यू डिस्प्ले होता तो मज़ा आ जाता, छोटा सा पंच और मिल रहा है यहाँ पर आपको कैमरा के लिए। अगर हम बात करते हैं Lenovo Z6 के बारे में, इसको लेकर डेली कुछ ना कुछ सामने निकल के आ रहा है। अब एक और इमेज सामने आ चुकी है, इस फोन में आपको मिलने वाला है 93.1 का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, जो कि बहुत ही अच्छा है, मज़ा आ जाएगा ये फ़ोन यूज़ करने का। लेकिन इंडिया में ये फ़ोन कब आएगा इसको लेकर अभी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आएगा भी या नहीं आएगा ये भी नहीं पता अब तक। तो आज के इन अपडेट्स में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अपडेट पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।